रूम का रेंट तो मैं देता ही नहीं, दिल्ली में मैं फ्री में रह रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगा। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, ग्रूमिंग के रिलेटेड, मैं बियर्ड रखूँ या बियर्ड निकाल दूँ। तो भाई अभी तक का सीन कुछ ऐसा है, मैंने बियर्ड निकाली है बहुत ही कम बार, मतलब पूरा क्लीन शेव। अब तक मैं क्या करता था, बस ट्रिमर से ऊपर ऊपर से ट्रिम कर लेता था और साल में कहीं एक या दो बार मैं क्लीन शेव करता था। तो लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि पर्सनैलिटी, जैसे अपन पतले हैं तो अपने पर्सनैलिटी के साथ क्या सूट करेगा, लेकिन क्या सूट करेगा ये जानने के लिए दोनों बातें मैं करके दिखाता हूँ और मैं खुद भी देखता हूँ और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये तो अपनी घर की खेती है, कभी भी वापिस आ जाएगी। अभी जल्दी से मार्केट जाते हैं और सारा सामान लेके आते हैं। तो भाई बाकी सारी चीज़ें तो मैं ले आया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रेजर था वही नहीं मिला। तो अभी मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया है, 10-15 मिनट में आ जाएगा। थैंक यू भैया। तो अभी हम खड़े हैं करोल बाग के रेगरपुरा एरिया में, और ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है इसके टॉप फ्लोर पे है मेरा रूम। शेविंग क्रीम और रेजर तो मैं ले आया, लेकिन टेम्परेचर आउटसाइड इज 41 डिग्री सेल्सियस, तो हालत खराब हो चुकी है। तो गाइस कुछ ऐसा है मेरा रूम, लेंथ में 9.5 फीट है, ब्रेड्थ में 6.5-7 फीट है, छोटा सा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी करो तो 70 square feet का मेरा कमरा है। लेकिन ये पीछे विंडो बहुत बड़ा है, और नेक्स्ट तो इससे बड़ा सरप्राइज जब मैं हुआ जब मैंने वो विंडो खोला। और सबसे अच्छी चीज इस रूम की यह है कि बाहर बहुत बड़ा टेरेस है, और दिल्ली में इतना बड़ा टेरेस देख के मैं तो पहले हैरान हो गया, लेकिन अच्छा लगा। चलो जैसे ही विंडो खोलते हैं तो पूरा सनलाइट अंदर आ जाता है, तो लाइट जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस चीज के कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है, जैसे धूल मिट्टी भी सनलाइट के साथ साथ अंदर आ जाती है तो रोज रूम साफ करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, वो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कर लेते अपन साफ। ये रूम से बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में अपने को है टेरेस का दरवाज़ा, और राइट साइड में थोड़ा किचन जैसा सेटअप दिया है, जो ज़्यादा यूज़ तो मैं करता नहीं, पहले करता था, अब इसका यूज़ नहीं होता। और जिस टेरेस से हम ऊपर आए, यहाँ से सीधा आके ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे मैं और ये बाजू वाला रूम, यहाँ पे और एक रूम है, तो हम दोनों शेयर करते हैं। लेकिन छत पे रूम होने का बस एक ही नुकसान है, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ऊपर से पूरा तप जाता है, और कूलर भी अभी बात कर रहा हूँ तो बंद करके रखा है, पानी खत्म है, चलो उसमें पानी पहले लगा देते हैं। पानी भरने के लिए भी हमने एक स्पेशल जुगाड़ करके रखा है। इस रूम की सबसे अच्छी बात ही यही है कि मेरा रूम 70 square feet का है और टेरेस बाहर 120 square feet का है, ऊपर 400 square feet का अलग। तो यहाँ पे हमने थोड़ा प्लांटेशन भी किया है। मैं कभी कभी हंसी मजाक में कह देता हूँ कि रूम का रेंट तो मैं देता ही नहीं, दिल्ली में मैं फ्री में रह रहा हूँ, जो भी रेंट दे रहा हूँ मैं टेरेस का दे रहा हूँ। तो अभी जाते ऊपर टेरेस पे, तो ऊपर जाने के लिए हम लोग ये सीढ़ी यूज़ करते हैं। वैसे तो सीढ़ी पुरानी है इसलिए डर लगता है, लेकिन अपना वेट इतना नहीं है इसलिए अपन मैनेज कर सकते हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, यहाँ से पूरा दिल्ली दिखता है।
तो अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, तो इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तो बेसिकली क्लिंच होने का थॉट मेरे दिमाग में इसलिए आया, मैं इंस्पायर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पापा का फोटो देखा, और पापा जब क्लिंच हो के निकलते तो उनका जो ऑरा होता है बस हम वही कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस शेविंग डन, एकदम क्लिंच शेव। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा लुक अच्छा लगता है, विद बियर्ड और विदाउट बियर्ड। अभी बस बहुत जोरों से भूख लगी है। गाइज इट्स 6 PM इन द इवनिंग एंड आई हैड गुड स्लीप फॉर 4 आवर्स। तो गाइज मैं हूँ, मेरे साथ शुभम है, और हम दोनों अभी जा रहे हैं कुछ खाने। तो हम अभी आए करोल बाग मेट्रो स्टेशन। तो गाइज मैं मार्केट से तो वापस आ गया, लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये राज ने स्ट्रीट साइड से क्यों खाया, अगर खाना ही था तो किसी अच्छी जगह पे जाता। उसके पीछे एक्चुअली 2 रीज़न है। पहला रीज़न टेक्निकल है और दूसरा इमोशनल। तो टेक्निकल रीज़न ऐसा है, इकोनॉमी में एक टर्म है मनी वेलोसिटी, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरा एग्जाम्पल ले लो, आज मैंने किसी स्ट्रीट साइड वेंडर से कुछ खाया या कुछ खरीदा, मैंने उसको 50 रुपये दिए, तो 50 ऐसे उसके पास आज के पूरे दिन का कलेक्शन हुआ रहेगा, सपोज करो 500 रुपये। तो वो क्या करेगा, कल सुबह जाके किसी छोटे दुकान से जहाँ से वो माल खरीदता है जाएगा, माल खरीदेगा और वापिस, मतलब कल वो वापिस बेचेगा। तो उससे क्या हुआ, जो पैसे मैंने उसके हाथ में दिए उसने किसी और के हाथ में दिए, और वो सामने वो चेन बढ़ती जाएगी। कंपेयर टू अगर मैं किसी बड़े दुकान में जाता और वहाँ से कुछ खरीदता, तो वो क्या करते, हफ्ते में या फिर महीने में एक बार रॉ मटेरियल खरीदते, तो मैंने जो पैसे वहाँ पे दिए वो उनके पास रखते। तो उससे क्या होता, कंपेयर टू फर्स्ट केस, तो मनी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती, और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए मनी वेलोसिटी शुड बी हाई। ये हुआ पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न सिंपल है, आप दिल्ली में आ रहे हो और स्ट्रीट साइड फूड ना खा रहे हो तो फिर दिल्ली आने का क्या फ़ायदा। तो इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से मैं बड़ी जगह से जाने से अच्छा छोटी जगह जाना प्रेफर करता हूँ। इसी के साथ आज के व्लॉग को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक के बटन से और सब्सक्राइब के बटन से और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।